विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी अंक ज्योतिषाचार्य व वास्तु गुरु जी आपका यूट्यूब चैनल गुरु जी लाइव 24 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत कर्म करना पड़ता है। अगर सफलता पाने के लिए कर्म करना होता तो मेरा अपना मानना है कि मजदूर जो है वो सबसे ज़्यादा सफल होता। क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि कर्म तो मजदूर सबसे ज़्यादा करता है। अगर हमको ये मालूम हो कि कर्म किस दिशा में करना है तो शायद हम कह सकते हैं कि हमारी सफलता बड़ी हो सकती है। इसको ऐसा मान लो, जैसे घर से हम जा रहे हैं और 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी है। हमको पता है कि मान लो बम्बई जाना है, लेकिन हमको रास्ता नहीं पता कि किस रास्ते से बम्बई जाना है। तो क्या हम बम्बई पहुंच पाएंगे? शायद कह सकते हैं हाँ भी और शायद नहीं भी। और अगर हमको रास्ता पता हो, जैसे गूगल मैप में देख कर हम बिना किसी से पूछे हम चलते जाते हैं और हम अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हम जिस डेट ऑफ बर्थ में पैदा होते हैं तो ईश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता लिखा होता है। अगर हम उस रास्ते पर कर्म करें तो भी हम बड़ी सफलता पा सकते हैं। लेकिन हमको तो ये पता ही नहीं कि हम जो है किस रास्ते पर चलें। हम व्यापार करें, नौकरी करें, कौन सा व्यापार करें, लोहे का व्यापार करें, कापी किताबों का व्यापार करें, सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी करें, विदेश में नौकरी करें, हमें नहीं पता। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देंगे कि आपके लिए ऊपर वाले ने आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सी दिशा लिखी हुई है जिस पर आप कर्म करके सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप भी सफल हो सकें। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 1/1/1990। अब इसका मुख्य ग्रह मूलांक, जो कि लास्ट वीडियो में बताया था, एकांक सूर्य, यानी मुख्य ग्रह तो सूर्य हुआ। अब हम इसको पूरा जोड़ लेते हैं, 1+1+1+9+9+0। तो ये जोड़ा तो कितना आ गया? 21। 2 और 1 को प्लस किया तो क्या आया? 3। दोस्तों, किसी भी डेट ऑफ बर्थ को जब हम पूरा एक एक अक्षर को प्लस करके जोड़ते हैं और जो जोड़ने पर लास्ट का अंक आता है उसको हम कहते हैं भाग्यांक, यानी भाग्य का अंक। यानी भाग्य का अंक का अर्थ अंक, यानी एक ग्रह, और वो ग्रह ही हमारा कर्म का ग्रह है। यानी उस ग्रह पर अगर हम चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम दावे से कह सकते हैं कि आपकी सफलता एक बड़ी सफलता होगी। इसमें थोड़ा सा हमको जो है ये भी देखना होता है कि हमारा मुख्य ग्रह क्या है और भाग का ग्रह क्या आएगा, इसका भी कॉम्बिनेशन देखना होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाग्य का ग्रह कुछ और कहता है और मुख्य ग्रह कुछ और कहता है। इसमें क्या करते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है कि 2/9/1982। फिर इसका मूलांक क्या हुआ? 2, यानी चंद्र कांक हुआ, तो चंद्र ग्रह हुआ। अब इसका भाग्यांक देखते हैं तो 2+9+1+9+8+2। हमने इसको टोटल किया तो ये आया 31। 3+1 को किया तो आया क्या? 4। 4 का जो अंक है वो राहु ग्रह का अंक है। अब हमारा भाग्य का ग्रह क्या हुआ? राहु। और मुख्य ग्रह यहाँ क्या हुआ? चंद्र। अब अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो क्या होगा? ज्योतिष में ये दोनों एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं।
अब हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मेन ग्रह और हमारे कर्म के ग्रह का शत्रु है, तो ये तो हमको जीवन पर परेशान करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कोई बच्चा पैदा होता हैगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं। नाम की महत्वता क्यों होती है ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो हम और आप एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन बीच में कोई एक ऐसा मित्र है जो आपका भी परम मित्र है और मेरा भी परम मित्र है। हम दोनों को चूंकि संग में रहना है तो हमारी ज़िंदगी में लड़ाई होगी, तो हम क्या करेंगे, उस मित्र को बीच में हम ले आएंगे। तो हम लोग शत्रु तो रहेंगे, लेकिन क्या होगा, जो बीच में हमारा परम मित्र वो क्या कर रहा है, हम दोनों को बैलेंस करेगा और हमारी लड़ाई को नहीं होने देगा। अब इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ में अगर मान लो चंद्र 2 का अंक है और राहु 4 का अंक है, तो इनका जो मित्र है वो शुक्र होता है, तो हम शुक्र नाम के अनुरूप ले आएंगे। लेकिन कभी कभी हमें काम भी देखना होता है, अगर मान लो कोई ये बच्चा है तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि शुक्र पे नाम रख देंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसका कार्य क्या है उसके अनुरूप ही उसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है वो आपका नाम देता है जो 24 घंटे आपके साथ जुड़ा होता है। तो निश्चित है कर्म के साथ साथ मुख्य ग्रह को भी हम लोग देख सकते हैं, और इसी प्रकार से 1 से लेकर 9 तक जो ग्रह होते हैं और उन ग्रहों के जो कार्य होते हैं उस कार्य पर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बड़ी सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको मिल सकें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार लाभ ले सकें। दोस्तों, जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमारा नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारा अगला वीडियो है, वाकई में हमारा नाम क्या इतना महत्वपूर्ण है, अगले वीडियो में हम आपको हमारा जो नाम होता है उसको कहते हैं नामांक, नाम का अंक, कि नाम का अंक किस अंक पे है और वो अंक किस ग्रह पे है, उससे हमारी सफलता और असफलता में बहुत बड़ा अंतर आता है। तब तक के लिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।